हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हिंदुस्तान के उभरते हुए चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, तीन तीन जो है पार्ट करके आपका सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा शार्ट वाले पर सैटरडे को जो स्पेशल मैराथन आ रहा मैथ का, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन करके करीबन 30-35 के आसपास रहने वाला है, तो उस क्लास को लीजिएगा और इधर चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक्स्ट्रा शार्ट को जाकर आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को करना क्या है दोस्तों, जो भी क्लासेस चले रेगुलर टाइम टेबल के अनुसार लीजिए, ठीक है। कल क्लासेस ज़्यादा नहीं हो पाई, थोड़ा सा लाइट का इशू था, बाकी इंग्लिश का क्लास मैं लिया, टाइम एंड वर्क जो अपलोड किया था, ठीक है दोस्तों। एक जो है भाई का कमेंट था, उसको थोड़ा हम ले लेते हैं। उन्होंने कमेंट किया था, सर मेरा फॉर्म जो है एक बार फी कट गया, दोबारा हो रहा, तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल कर दीजिए, इसके अलावा कुछ कोई नहीं कर सकता, ठीक है, बस मेल करिए। तो चलिए दोस्तों गजब के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आपके क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के हैं। जी हाँ दोस्तों, हल्के से टफ लेवल के हैं, जिस तरीके से TCS ने पूछा है, तो TCS के पुराने पैटर्न को जो है जो भी एग्जाम्स वो लेती है ना, उसी के आधार पर मैं क्लास को बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना है पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है दोस्तों। बहुत यदि गर्मी है फिर भी क्लास ले रहा हूँ, और चूंकि मेरी जिम्मेदारी है लाइट है, तो फिर क्लास लेना ही लेना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 से देखते हैं, अगर इधर उससे पहले अगर मैंने क्वेश्चन करा दिया होगा तो दोस्तों कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा है एक घोड़े को रुपया 570 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है, ठीक है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे हमने मान लिया, जो यहाँ पे सीपी है दोस्तों, माना सीपी दोस्तों 100 है, सीपी को हमने मान लिया 100 है, ठीक है। अब ये कह रहा है 570 में जब बेचता तो 5% की हानि होती है, 100 था ना, यहाँ पे 5% की हानि हो गई। कब हानि हो गई दोस्तों? जब उसने 95 में बेचा दोस्तों। 100 देखिए 5% की हानि हो रही है ना, तो 100 का 5% अब घटाएंगे अपना 100 में से, तो 95 डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं यार निकाल दे इसको, 100 में से 5 जगह यहाँ पर 95 बचेगा, ठीक है। आगे कह रहा 5% का लाभ कमाने के लिए, 100 था 5% का लाभ कमाएगा तो प्लस 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 105। रेशियो बन चुका है, आप इसको काट सकते हैं 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे 19, 5 से डिवाइड करेंगे 21, ये आ चुका है। कह रहा दोस्तों 5% की हानि जब होती है तो उसे 570 में बेचता है, कितने बेचता है 570 में, यानी कि जो 19 का वैल्यू है ना वह 570 है दोस्तों, कितना गुना अधिक है 30 गुना अधिक है। ये कैसे पता चला? 19 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये अगर 30 गुना है तो अगर 5% के लाभ के लिए बेचेगा तो ये भी 30 गुना अधिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना जाएगा 21 हो करने में 21 या 63, 630 हुआ दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, किसके साथ चले जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? प्रैक्टिस की। तो NBE स्पेशल करके जो बैच मैं चला रहा हूँ सुबह 7 बजे मैथ का, उस क्लास को लेना आप लोग डेली लीजिए, ठीक है ना। 26 की तरफ आ गए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, कोई व्यक्ति नहीं आती है दोस्तों, वो क्या करता है उसे 9% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि उसे वह उसे पहले से 6342 में बेचे, पहले से कितने दिन बेचे दोस्तों 6342 में बेचे, तो उसे 12% का लाभ होता है, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा गहराई है, ठीक है ना। माना क्रय मूल्य हमेशा की तरह 100 है, कह रहा है 9% हानि पर बेचता है, तो 9% हानि मतलब घटाएंगे तो यहाँ 100 में से दोस्तों 9 घटाएंगे तो यहाँ 91 आ जाएगा, कितना था 91 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि वह उसे पहले से 6342 में बेचे, पहले से दोस्तों पहले 91 में बेच रहा था, ठीक है ना, कह रहा पहले से 6342 ज्यादा में बेचे तो उसे 12% का लाभ होता है, तो प्लस 12 यहाँ पर ऐड कर देंगे दोस्तों, 100 में 12 जोड़ देंगे तो यहाँ परसेंट यहाँ भी आता, परसेंट यहाँ भी, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। 91 रेशियो 12 का यहाँ पर डिफरेंस हो गया, अब 112 हुआ, सॉरी दोस्तों 100 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 112 हो जाता। अब यहाँ देखिए पहले 91 था, अब 112, कितने का डिफरेंस आया, यानी कि पहले 91 में बेचता तो उसे 9% की हानि होती थी, अब 12 ज्यादा में बेच रहा उसे 112 रुपये मिले, तो कितने का यहाँ डिफरेंस आ गया, चेक कर लेते हैं।
में से एक जाएगा एक, ग्यारह में से 21 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या अब यहाँ से पहले 91 में बेचता था, अब 112 में बेच रहा, यानी कि 21 रुपया ज्यादा ले रहा है ना। लेकिन कह रहा है 21 रुपया ज्यादा नहीं ले रहा, कितना ज्यादा ले रहा है, 6342 रुपया ज्यादा ले रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना ले रहा है, 6342। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें कहीं ना कहीं 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 का वैल्यू निकालने के लिए पहले 1 का वैल्यू निकालिए, 6342 बटे ये 21 गुणा कर इधर आके भाग करेगा। अब 100 का वैल्यू निकालना, तो 100 का गुणा इधर कर देंगे और 100 का गुणा इधर कर देंगे दोस्तों। 21 से अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 302 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 302। डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 21 या 63, 21 दूनी 42, बीच में जीरो लग जाएगा। तो यहाँ पे 100 का वैल्यू जाएगा 302 × 100 दोस्तों। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 302 00, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं, और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा हम इंक ले लेते हैं, ठीक है। इंक यार, इंक बहुत ज्यादा खत्म हो रहा, सही बता रहा हूँ। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, तब जाकर समझ में आएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, उसके बाद छोड़कर चले जाएंगे, फिर कहेंगे अरे सर समझ में नहीं आया। यार वीडियो को पूरा तो देखो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो अगले क्लास में उसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट जिन स्टूडेंट ने नहीं लिया है, जल्द से जल्द मॉक टेस्ट आप लोग ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। आज दोस्तों अच्छे अच्छे सीनियर असिस्टेंट लेवल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करिए, लास्ट तक आप सभी वेट करिए, ठीक है ना, मजा ना आए तो फिर कहिएगा। 27। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 29% लाभ पर बेचता है, मानक क्रय मूल्य जो है 100 था, 29% लाभ पर बेचता है, तो प्लस 29 जोड़ देंगे तो 129 हो जाएगा, ठीक है ना। 29% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से रुपया 279 में ज्यादा बेचे तो उसे 32% का लाभ होता है, यहाँ पे 32% का लाभ होता है, तो यहाँ पे 132 हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ, पहले 129 में बेच रहा था, अब 132 में बेच रहा, कितने का यहाँ पे ज्यादा है, 3 का ज्यादा है। तो लेकिन क्वेश्चन में कहा 3 का ज्यादा नहीं, 279 का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 279। एक का वैल्यू निकाले, कितना जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 903 आ जाएगा, कितना जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 93 93 आ जाएगा, कितना जाएगा, 93। अगर एक का वैल्यू 93 है, अर्थात एक का वैल्यू 93 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का दोनों तरफ दोस्तों गुणा कर देंगे, 100 × 1 = 100 और 93 का 100 में गुणा कर देंगे 9300। बताइए, देखिए अगर हिंदी में क्वेश्चन लिखना रहता ना, तो हिंदी में क्वेश्चन मेरे पास है दोस्तों, वो बात नहीं है, लेकिन आप सभी को NBE के लिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन चाहिए, तो इसलिए ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आप सभी मैथ में कौन से क्लास का डिमांड चाहते हैं, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें ये क्लास चाहिए, उस क्लास को मैं ले लूंगा, ठीक है दोस्तों। जिस भी क्लास को आपको डिमांड करेंगे उस क्लास को मैं ले लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ आ गए, आप लोग बताइएगा कि सर हाँ मेरा ये चैप्टर वीक है, ताकि मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट कर सकूं। वैसे कल से आपका परसेंटेज स्टार्ट करने का इरादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। एग्जाम में जो है NBE के एग्जाम में दोस्तों जिस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो मैं सोचना स्टार्ट करूँ। आप बताइएगा परसेंटेज स्टार्ट करूँ या टाइम स्पीड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सर अगला चैप्टर ये होना चाहिए। एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, एक बात बता रहा हूं, ठीक है। देखिए जब ओनली लाभ लाभ दिया रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस में ना, तो हम घटा देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। लेकिन जब लाभ और हानि दिया रहेगा तो हम जोड़ देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों करते, पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहा है पहले जो है इसको अभी से सवाल में देखते हैं, 15% लाभ पर बेच रहा दोस्तों, एक लाइन होता आप सभी लोग देखे होंगे दोस्तों, यहाँ जीरो रहता है, इधर प्लस इधर माइनस रहता है। पहले 15% लाभ पर बेचा, फिर दोस्तों 17% लाभ पर बेचा, यहाँ 16 था मान लीजिए, बीच में तो था ही। इस कंसेप्ट को सीख लीजिए दोस्तों, नहीं तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ये याद करवा देते हैं कि जब प्लस प्लस मतलब लाभ लाभ रहे तो घटा दीजिए, हानि हानि रहे तो घटा दीजिए, जब लाभ हानि रहे तो जोड़ दीजिए। नहीं दोस्तों, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कहना पहले 15% का लाभ हुआ, फिर 17 का लाभ हुआ। एक बात बताइए इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 और 2, 2 ही का तो डिफरेंस हो रहा है, कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का। तो यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए जब इसे लेकर आते हैं दोस्तों,
लाभ लाभ रहने देखो 15 को छोड़ दीजिए तो यहाँ 2 का डिफरेंस हुआ ना 6-7 के बीच में, 6 और 7 को लेकर। तो सारे टीचर क्या करते यही बताते हैं ना कि जो है आप सभी क्या कर लीजिएगा, लाभ लाभ दिया रहे तो जोड़ दीजिए और हानि सॉरी घटा दीजिए, हानि हानि दिया है तब भी घटाते हैं, लेकिन जब लाभ और हानि दे रहा था तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ दे रखा है एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपए का अंतर आता है। तो 17 में से हम 15 घटा देंगे दोस्तों कितना जाएगा, 2% आया ना, घटा दीजिए बस। अगर जो कंसेप्ट सिखाए वो नहीं समझ में आया है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। 17% में से 15% घटा 2% आया, अब ये 2% का जो वैल्यू है ना वो कह रहा 6 रुपए का अंतर है, कितने का, 6 रुपए का। और क्रय मूल्य जब भी पूछे तो जान लीजिए 100% का वैल्यू पूछ रहा दोस्तों, यहाँ 2% है, 100% लाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 50 का इधर 50 का इधर, तो 50 × 100% और ये 50×6=300, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य था दोस्तों वो 300 रुपये था, कितना था 300 रुपये। अब बताइए कोई डाउट, अब शायद ही कोई डाउट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी जो है बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखिएगा कि मजा कितना आ रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, पहले 10% की क्या करता, हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उसे पहले से 45 ज्यादा में बेचे तो उसे 12.5% का लाभ होगा। अब यहाँ देखिए 12.5% का क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। अब एक बात बताइए यार, ये हानि है ये लाभ है, तो हम क्या करेंगे, आपको बताया हम कि जोड़ देंगे, ठीक है। जब इसको इसको जोड़ेंगे तो 22.5% आ जाएगा। अब क्यों जोड़ेंगे, यहाँ 0 था, 12.5 आप इधर गए और 10 इधर गए, तो पूरा बीच का जो डिफरेंस मतलब आ जाएगा दोस्तों वो 22.5% आ जाएगा। कह रहा 22.5% नहीं है 45 है, दे रखा है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस वो 45 है, 22 × 44 एक 45, 45/2% बराबर 45, 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, 1/2% बराबर 1 है, तो 1% बराबर 2×2 आ जाएगा, ठीक है। यार यहाँ जो भाग करता है इधर जाकर गुणा करता है, ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना गया दोस्तों 2, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 200। क्यों यार, 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर भी बढ़ाएंगे ना, 200 आ गया। और ऑप्शन नंबर सी के साथ हम फिलहाल के लिए चले जाते हैं, किसके साथ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब बताइए कोई डाउट है या नहीं इस तरह के क्वेश्चंस में। अब आते हैं आपके थोड़ा सा लेवल जो है धीरे धीरे मैं इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। आप सभी लोग परेशान मत रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियो में, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ना आए तो फिर कहीं हाँ सर गलत बोल रहे थे, ठीक है। क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट्स को लेकर चलना रहता है, कोई कमजोर होता है कोई जो है थोड़ा सा ब्रिलियंट होता है, सब लोग एक जैसे नहीं ना होते हैं, तो सभी स्टूडेंट को लेकर चलना ये मेरे एग्जाम तक वाली टीम का फर्ज है, ठीक है दोस्तों, खास करके मैथ्स में। दोस्तों गर्मी हो रही है आजकल बहुत ज्यादा ना, कोई मुंबई से अगर होगा तो बता देगा कि वहां बारिश का कैसा सिचुएशन है, ठीक है, कमेंट करके थोड़ा बता देगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यदि वह उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे और पहले से ₹12 कम में बेचे तो 30% लाभ हुआ होता, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिएगा बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर योर ऑल कैटेगरीज लाइक स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, सारे पोस्ट के लिए क्वेश्चन काफी मायने रखता है, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, वास्तविक क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो वास्तविक क्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया, वास्तविक क्रय मूल्य को हमने दोस्तों क्या मान लिया, 100 मान लिया। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यहाँ पे 100 का था, 20% लाभ पर बेचता है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है यदि वह उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे, अभी इसका यूज होगा, तो पहले से 12 कम में बेचे तो 30% लाभ हुआ होता, कितना लाभ हुआ होता दोस्तों, 30% लाभ हुआ होता। अब ध्यान से देखिएगा 20% लाभ पर बेचता है ना, तो 120 में बेचा, यदि उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे तो 100 में से 10 जाकर 90 का खरीदा, ठीक है ना। इतना अगर करता है, अभी देखिए इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर ले दोस्तों, आगे देखिए कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचे, चलिए यदि वह उसे पहले से 10% सस्ते दर पर खरीदे और पहले से ₹12 कम में बेचे तो 30% लाभ हुआ होता। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 30% लाभ हुआ होता, यानी कि जो लास्ट में आपका परसेंटेज दे रखा है 10% सस्ते दर पर खरीदे, ठीक है ना,
ध्यान से देखिएगा, 10% सस्ते दर पर खरीदे और 12 कम में बेचे तो 30% लाभ हुआ होता, क्योंकि इसी के साथ वो जो 10% दिया ना इसी के साथ है, यानी कि लास्ट में 30% लाभ हुआ होता ना, तो 90 का हम जो है 90 का हम 30% निकाल लेते दोस्तों, कितना होगा 90 × 30/100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 × 3 = 27 रुपया, कितना लाभ हुआ, तो यहाँ पे 27 अगर हम इसी में ऐड कर लेते हैं दोस्तों, तो 90 में अगर आप 27 ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 117, कितना हो जाएगा 117। अब क्वेश्चन को एक बार और समझाऊंगा, परेशान मत रहेगा, पूरा पहले देख लीजिए, 120 रुपया लाभ होता, अब 117 हो रहा है, तो इनके बीच का गैप कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, लेकिन कह रहा पहले से रुपया 12 कम में बेचे, दोस्तों पहले 120 में बेच रहा था, अब 117 में बेच रहा है, तो 3 रुपया कम में बेच रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 3 रुपया कम में नहीं बेच रहा, 12 रुपया कम में बेच रहा है, कितना गुना दी गए, 4 गुना दी गए, 3 × 4 = 12, तो इसी तरीके से दोस्तों जो क्रय मूल्य है वह भी 100 ना होकर 4 गुना दी, 400 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम दोस्तों चले जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 का 20% 20 जोड़ेंगे तो 120 हो गया, ठीक है, अभी इसकी कहानी यहीं पर फिलहाल के लिए अभी आप छोड़ दीजिए, इसकी कहानी यहीं तक खत्म है, अब इसमें अभी कुछ मत करिएगा, ठीक है, यदि वह इसे 10% सस्ते दर पर खरीदे, 100 में से 10 जाकर 90 कम में खरीदा ना, अब इसी को लेकर चलना है, 10% सस्ते दर पर खरीदे और पहले से रुपया 12 कम में बेचे, यानी कि जो 120 है दोस्तों अब इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे अब जो बेचेगा वह 12 कम में बेचेगा, लेकिन एक शर्त है, कब 12 कम में बेचे तो 30% लाभ हुआ होता, तो दोस्तों इसी के साथ दिया ना, तो 90 का 30% आपने निकाला दोस्तों तो ये 27 हो गया, तो 90 में 27 जोड़ दिया तो 117 हो गया, यानी कि अब बेच रहा दोस्तों 170 रुपया, पहले बेच रहा था 120 रुपया का, कितने का डिफरेंस हो गया 3 का, क्या था 3 कम में नहीं बेच रहा 12 कम में बेच रहा, 4 गुना अधिक है, ऐसे ही जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो 100 ना होकर 4 गुना अधिक 400 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप समझते हैं ना तो फिर मजा ही नहीं बहुत ही मजा आएगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपके डाउट दोस्तों क्लियर रहे, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि कोई डाउट आपके अंदर रह पाए, ठीक है, बस आप सभी को थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, मजा ना आए तो फिर करिएगा। चलिए क्वेश्चन 31 लेते हैं, कह रहा एक व्यक्ति ने एक घोड़ा, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा पहले देखिए क्रय मूल्य कितना था 100, 15% लाभ पर बेचा तो 115 हो गया, ठीक है ना, 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, 25% कम 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आ गया, 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा रुपया 600 कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, अब वही चीज है 75 का दोस्तों 32% निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, 75 का 32% कितना का देख लेते हैं, 75 × 32 = 100, 25 × 75 = 2500, 4 × 4 = 32, 8 × 3 = 24, यानी कि दोस्तों हमें 75 में क्या करना 24 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 5 × 9 = 7, 2 × 9 = 99 में बेच रहा, दोस्तों जब उसको लाभ हो रहा 32% तो कितने में बेच रहा 99 में बेच रहा, अब देखिए पहले 115 में बेच रहा था अब 99 में बेच रहा, कितने का डिफरेंस आ गया, घटा लेते हैं तो दोस्तों यहाँ 16 का डिफरेंस आ जा रहा, कितने का डिफरेंस 16 का, लेकिन कह रहा 16 का डिफरेंस नहीं है, 16 कम में नहीं बेच रहा 600 कम में बेच रहा, दोस्तों यहाँ एक कवरी निकालेंगे 600 × 16, क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है, कह रहा है दोस्तों कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 का गुणा करा देंगे इधर और 100 का गुणा इधर करा देंगे, बस 4 × 16 यहाँ पे 25 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 150 आ जाएगा, अब 150 और 25 का अगर हम गुणा कर लेते हैं तो 3750 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों हम चले जाते हैं, ठीक है ना, मजा आया या नहीं आया, और बहुत सारे बच्चे जो है होशियार भी है वो क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं, मुझे ये चीज पता है। 32 इसी तरह से आ जाते हैं 33 की तरफ, दोस्तों इस क्वेश्चन में ये देखना है पहले जो लाभ हुआ ना उसको एक साइड में लिख लीजिए, अब उसके बाद इधर से चलते हुए चलिए, जो बाद में दिया ना आप उसी को लेकर चलिए, पहले वाला आप छोड़ दीजिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, करा एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है, ठीक है, पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, ठीक है,
पहली बस ऊपर क्या कर रहा है 10% की हानि होती है और दूसरी बस पर उसे 25% क्या होता है लाभ होता है। ठीक है, दोस्तों गर्मी बहुत ही ज्यादा तेज है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। ठीक है, दो वस्तुओं को क्या करता हुआ 1710 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। ध्यान से देखिएगा, 10% का वैल्यू होता है दोस्तों 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पहली वस्तु के ऊपर। किसके वस्तु के ऊपर दोस्तों? पहली वस्तु। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख लेंगे सीपी, परेशान मत रहिएगा, और यहाँ पे लिख देंगे एसपी। पहली वस्तु पर क्या होता है दोस्तों? 10% की हानि होती है। ठीक है, यानी कि वो वस्तु 10 का था, 1 रुपए का नुकसान हुआ, यानी कि 9 में उसने बेच दिया। ध्यान से समझिएगा, जब भी नुकसान होगा तो ये घटा देंगे। लेकिन अगली बार कह रहा और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। 25% का वैल्यू होता है 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 लाभ हो रहा है ना, तो क्रय मूल्य अगर 4 था तो 1 अधिक पाया, यानी कि 5 रुपए में दोस्तों बेच दिया। अच्छा एक बात बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में एक बात दे रखा दोस्तों, दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। दो वस्तुओं में कितने में बेचता है? 1710 रुपए में बेचता है। एक बात और आगे दे रखा, ध्यान से समझिएगा। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है ना, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कंडीशन दे रखा है कि जो पहली वस्तु का जो सीपी है ना, वो दूसरे जो थिंग्स के एसपी के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ 10 है अगर ना, क्वेश्चन में दे रखा ये दोनों बराबर है, तो यार इसको भी तो 10 करना पड़ेगा। तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका? 2 का। इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 4 2 8 और 5 2 10, ये चीज हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ एक बात आप समझिएगा, यहाँ 10 से 9 में बेचा, 1 रुपये का क्या हुआ? लॉस हो गया। यहाँ पर 10 रुपये का कोई चीज खरीदा और 9 ही रुपये में बेच दिया, 3 रुपये का नुकसान हो गया। यहाँ पर 8 रुपये का खरीदा, 10 में बेच दिया, 2 का इसको प्रॉफिट हो गया। अब एक बात बताइए, एक जगह मुझे 1 का लॉस हो गया और एक जगह 2 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल 1 रुपये का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रॉफिट हो जाएगा। इसका यूज अभी आ गया है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों वस्तुओं को 1710 में बेचता है। यहाँ दोनों वस्तुओं को कितने में बेच? यहाँ 9 में बेच रहा, इसको 10 में बेच रहा। 10 और 9 मिलकर 19 हो जाएगा। 19 का वैल्यू दोस्तों होता है 1710। यहाँ पे जब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो यहाँ 10, यहाँ 9, 10 9 19 19 आ रहा है ना, यहाँ 19 का वैल्यू दे रखा 1710। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1710। ये 19 गुणा कर इधर आके दोस्तों भाग करेगा। ठीक है, 19 यहाँ गुणा कर इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 19 1 19 19 9 का था 90 आ रहा। 1 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 90। और हमसे यही पूछ रहा था कि लाभ या हानि याद कीजिए, तो लाभ जो यहाँ पे हो रहा है वो 90 का हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हो जाएगा सही। क्रय मूल्य पूछता तो आप यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ 10 है ना, तो यहाँ 10 का वैल्यू निकालते। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन लाभ या हानि पूछ रहा, तो यहाँ पे मैंने ये बताया ना, 1 का लाभ, 2 का प्रॉफिट, ओवरऑल 1 का प्रॉफिट हो रहा, यानी कि कहीं ना कहीं हमें 1 का वैल्यू निकालना था। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। जो भी चैनल पर नया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, क्योंकि आप ही सभी के लिए क्लासेस को लगाया जा रहा है डेली 7 बजे जो है मैथ की क्लासेस चलती हैं, वो भी रेगुलर। ठीक है, तो आप मंडे टू फ्राइडे चल रही है दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चल रही है ना, उन क्लासेस को आप लीजिए, जरूर आप एक दिन सक्सेस हो जाएंगे, मेरा वादा है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 कर, एक व्यक्ति रुपया 1 के 1200 बेचता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 का कितने संतरे बेचता है? 12, और उसे 20% का नुकसान होता है। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से आज समझ लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझेंगे तो ही जाकर मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा एक चीज बता रहा हूँ, इसका एक ट्रिक मानिए चाहे इसको कंसेप्ट मानिए, ये तरीका आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना, नहीं आता अब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बस उठा के करा दे रहा हूँ, TCS इस क्वेश्चन को पूछती है। एक व्यक्ति यहाँ पे 1 रुपए के 1200 बेचता है। अब देखिएगा इसका क्या होता है, यहाँ पे रुपया है, अभी 1 रुपए की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, 1200 बेचता, चलिए उसे 20% का नुकसान होता है। दोस्तों जो पहले दिया रहेगा ना, वो हम नीचे करेंगे, इस चीज को याद कर लीजिए।
जो पहले दिया रहेगा उसको हम नीचे करेंगे, जो बाद में दिया रहेगा उसको हम ऊपर करेंगे। 20% का नुकसान होता है ना, तो 100 में से 100 माइनस 20 यहाँ नीचे कर दीजिए, ठीक है ना। और कह रहा है एक रुपए में कितने संतरे बेचे उसे 20% का फायदा हो, 100+20 ऊपर कर दीजिए। इतना काम आप कर सकते हैं ना दोस्तों, आप देखिएगा मजा ना है तो फिर कहिएगा। एक रुपए में क्या हो जाएगा, 100 में और 20 का 120 हो जाएगा, 100 में से 20 दिया 80 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 8 4 3 12। अब यहाँ पे एक का वैल्यू 3/2 आ गया ना, तो 2 1 2 और यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी कि 2 रुपए में वह 3 संतरा क्या रहा दोस्तों, बेच रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 12 संतरे को निकालना है, कितने संतरे को निकालना दोस्तों, 12 संतरे को। आगे दे रखा कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, कितने संतरे बेचे उसे। चलिए दोस्तों इस मेथड से थोड़ा सा कर रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा एक चीज फंस जा रहा है, इसको देख लेते हैं। मेथड यही रहेगा, थोड़ा सा एक चीज फंस रहा, थोड़ा देख लीजिएगा, वो बात नहीं है। यहाँ पे हमें 12 संतरे बेचने की बात कर रहा है ना, तो क्वांटिटी कितना दे रखा आप देखिएगा, क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ रुपया लिखेंगे, इस तरह से करेंगे तो ज्यादा, हम सिर्फ वहां पे एक का निकाल लेते लेकिन हमें 12 का निकालना, ठीक है। तो कह रहा है एक व्यक्ति रुपया एक के 12 संतरे बेचता है, एक रुपये का कितना संतरे बेचता है, 12 संतरे बेचता है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब मानिए वही तरीका आपको जो बताया तो वही लगाइए, 20% का नुकसान होता है तो इसको नीचे ले लीजिए, और जो बाद में कर 20% का फायदा उसको आप ऊपर ले लीजिए, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया दोस्तों, बताइएगा। जो पहले दिया रहेगा उसको आप नीचे लेकर आइएगा, और जो बाद में दिया रहेगा उसको आप प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 8 4 3 12, ये चीज हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर से ऊपर कट जाता है, 3 1 3 3 6 12, क्वांटिटी यहाँ पे कितने आ गए दोस्तों, 4, और रुपया आ गया 1/2। अब यहाँ पे 4 2 8 और रुपया आ गया 1। अब 1 रुपये में कितना खरीदना चाहिए दोस्तों, उसको 8 खरीदना चाहिए, बस यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाने वाले। 8 ऑरेंज खरीदेगा तो उसका जो है 20% का लाभ होगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते इसी तरह का, ताकि आपका पूरा का पूरा डाउट दोस्तों क्या रहे, क्लियर रहे। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, देख रहे हैं कितना मिनट हुआ, लंबी हो कोई बात नहीं, बस आपका डाउट जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आज प्रॉफिट एंड लॉस का जो है लास्ट डे है, ठीक है। क्या है, लास्ट डे है 35। उसी तरह का है, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, क्या लिखेंगे, क्वांटिटी लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे रुपया। कह रहा है रुपया एक की 32 टाफियां बेचने पर, 1 रुपए की कितनी टाफियां बेचने पर, 32 टाफियां बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है, कितने का, 40% का, तो उसको नीचे लाएंगे, 100 में से 40 घटाएंगे 60 आ जाएगा। वह 1 रुपए में कितनी टाफी बेचे 20% का फायदा हो, तो 120 कर देंगे, बस काट दीजिए, 60 1 60 60 2 120। और यहाँ देखिए 2 से ये 32 कटेगा, 2 1 2 2 32, तो 1 रुपए उसे कितनी बेचनी चाहिए, 16 टाफियां बेचनी चाहिए। और हमारे सामने ऑप्शन है डी, डी का दोस्तों क्या होगा, कुछ भी नहीं है यार ऐसे क्वेश्चन में। चलिए 36 इसी तरह का 37 पर आ जाए, ठीक है। कह रहा है ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेचता है, ए बी 20% मुनाफा का मतलब हो जाएगा दोस्तों 20/100 मतलब 1/5, यानी कि 5 से लेकर 6 में बी को दे दिया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 20% का वैल्यू 20/100 करेंगे, 20 1 20 20/100, 5 का था 1 जोड़कर 6 में बेच दिया, ठीक है। तथा बी सी को 25% मुनाफा लेकर बेचता है, बी क्या करता है सी को 25% मुनाफा लेकर, 25% का वैल्यू 1/4 यानी कि 4 से 5 में इसने सी को बेच दिया। और कहा यदि सी को 225 रुपये का भुगतान करना है, ध्यान से देखिएगा और तो कुछ दिया नहीं है, यदि सी को 225 भुगतान करना तो ए इसी के लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। चलिए इस तरह से भी इसको हम कर लेते हैं, ठीक है ना। 6 का वैल्यू 225, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, थोड़ा सा मिस्टेक हल्का सा हो गया था दोस्तों पढ़ने में, ठीक है, जिस वजह से आंसर नहीं आ रहा था। आप दूसरे तरीके देखते हैं, ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेचता है, 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 अर्थात 1/5। यहाँ ए रेशियो बी रेशियो हम सी निकाल रहे हैं, ठीक है ना।
ए क्या करता है, बी को 20% मुनाफा लेकर बेचता है। अगर ए 5 का था, ठीक है ना, यह एक मुनाफा लेकर बी को कितने बेच दिया, 6 में बेच दिया, ठीक है। फिर कह रहा है बी सी को 25% मुनाफा लेकर बेचता है। 25% का वैल्यू 1/4 होता है, यानी कि बी ने किया 4 का था, सी को 5 में दे दिया, ठीक है। अगर आपने रेशियो और प्रोपोर्शन वाली क्लास मेरी की होगी तो आपको पता होगा, यहाँ 6 है तो इसके सामने भी 6, यहाँ 4 है तो इसके सामने भी 4 कर देते हैं, ठीक। फिर ऐसे करते हैं, 5 × 20 6 × 24 6×5 30, ठीक है। या ए का वैल्यू हो गया बी का या सी का, 2 से कट जाएगा, 2×20 2×24 2×15 30, यानी कि सी ने उसके लिए कितना दिया, 15 दिया। कह रहा सी ने 15 नहीं 225 दिया, कितना गुना अधिक है, 15 गुना अधिक है। कैसे पता चला, 15 से 225 में भाग दे दिया तो ए ने कितना दिया होगा, ये भी अगर ये 15 गुना अधिक है तो ये भी 15 गुना अधिक, 15×150 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, 150 का हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कह रहा है एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है। एक बेईमान दूध वाला है दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 16 × 2/3% लाभ कमाता है। तो दोस्तों जब आप परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो सबसे पहले जो परसेंटेज है उसी को खत्म करिए। 16 × 2/3% का वैल्यू हो जाता है 16 × 3 = 48 50 × 3% क्या हो जाएगा, इससे हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 50 × 50 = 100 1/6 क्या हो जाएगा, 1/6 1/6 का मतलब दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर 6 लीटर अगर मतलब दूध है तो यहाँ 1 लीटर क्या मिला रहा है दोस्तों, पानी मिला रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से सिचुएशन है। करा मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए, मिश्रण से दूध का अनुपात दोस्तों, मिश्रण से जो है अगर हम दूध का अनुपात ज्ञात करने लगे ना, तो मिश्रण मतलब होता मिला जुला के, दूध 6 1 लीटर पानी, 6 × 1 = 7 लीटर मिश्रण हो गया और दूध कितना 6 लीटर, 7 ratio 6 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम 39-40 क्वेश्चन सिर्फ 30-30 मिनट वाली क्लास में कर चुके हैं, ठीक है ना। अदर जगह पर आप देखेंगे तो 1-1.5 घंटे में भी अगर 3 दिन ये क्लास लें तब जाकर 40 क्वेश्चन पहुंचते हैं, तो ये मैं बड़ा ही नहीं अपनी कर रहा। 39 एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 12 × 1/2% लाभ कमाता है। दोस्तों 12 × 1/2% का वैल्यू 12 × 2 = 24 25 × 2% हो गया, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 ला देंगे, बस 25 × 25 = 25 1/8 हो गया। यानी कि यहाँ देखिएगा, यानी कि दूध और मिश्रण का अनुपात दोस्तों कितना हो गया, दूध अगर 8 लीटर का है तो मिश्रण 9 लीटर का हो जाएगा। कैसे दोस्तों, ये नीचे जो है दूध होता है यह 1 लीटर पानी मिला है तब ना मिश्रण बना, मिश्रण 9 लीटर का है, कारण मिश्रण 9 लीटर का नहीं 810 लीटर, कितना गुना अधिक है, 90 गुना अधिक है। तो ऐसे जो पूछा क्या है, तो दूध की मात्रा भी 90 गुना अधिक, 90/720 हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अभी कुछ परसेंटेज क्वेश्चन रह जा रहे हैं, लेकिन चलिए फिर हम किसी देख लेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा क्लास इसके बाद, मतलब कौन से जो है चैप्टर का क्लास है, आप सभी लोग बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद है ना, तो लाइक करना ना भूलें, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। चलिए मॉक टेस्ट लेना, मॉक टेस्ट ले लीजिए, लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।